हेलो, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स इन जावा। तो जावा में जिस क्लास के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना वो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो के फर्स्ट यहाँ पर जस्ट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट होता है, तो के ऑब्जेक्ट जो ऑलवेज जो क्रिएट होता है वो क्लास पर से क्रिएट होगा। ओके, एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अगर जस्ट और डिटेल्स चाहिए तो ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्या बनेंगे, तो जस्ट यहाँ पर हमें जो क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट सर हमें जस्ट पता है तो कि ऑलवेज जस्ट वो क्लास का ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो क्लास के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, क्लास के मेंबर्स लाइक उसके वेरिएबल्स, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी मेथड्स हैं, ओके, तो वो हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, अभी यहाँ पर जैसे हमें क्लास का जिस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमें न्यू कीवर्ड यूज करेंगे। ओके, न्यू कीवर्ड के थ्रू हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बट हमें जैसे अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो कि कुछ यहाँ पर स्टेप्स हैं वो हमें मेंशन करना है कि लाइक जो फर्स्ट बता रहे, तो जस्ट फर्स्ट यहाँ पर हम देखे बता रहे तो कि डिक्लेरेशन, तो कि तीन स्टेप्स हैं, डिक्लेरेशन, इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, ये तीन स्टेप्स हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन क्या है, तो कि डिक्लेरेशन यहाँ पर क्या होगा, तो कि जिस यहाँ पर एक सिंटेक्स यूज करेंगे, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, ओके, तो ये उसके थ्रू हम क्या करेंगे, तो कि यहाँ पर एक हम क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। ओके, सेकंड, तो कि सेकंड यहाँ पर क्या होगा, तो कि इनिशिएशन होगा, तो कि इनिशिएशन यहाँ पर क्या होगा, तो कि हम न्यू कीवर्ड का यूज करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर क्या करेंगे, तो कि जस्ट यहाँ पर कुछ यहाँ पर मेमोरी एलोकेट करके हम जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो कि इनिशिएशन यहाँ पर क्या होगा, तो कि न्यू कीवर्ड के थ्रू जैसे हम क्या करेंगे, तो कि मेमोरी एलोकेट करके हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट जो रहता है, तो कि लास्ट यहाँ पर क्या होगा, तो कि इनिशियलाइजेशन होगा। अभी इनिशियलाइजेशन यहाँ पर क्या है, तो कि जैसे हम कंस्ट्रक्टर को, ओके, ठीक है, तो कि जस्ट जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, तो कि वो ऑब्जेक्ट को हम कुछ वहां पर वैल्यू असाइन करके हम क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर को हम कॉल करेंगे। तो तीन स्टेप्स हैं, वन इज डिक्लेरेशन, इनिशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में हम क्या करेंगे, तो कि जो सिंटेक्स हमें बताया, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, उसके थ्रू हम क्लास का एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। सेकेंड, जो सेकेंड हमने जिस बताया, तो कि इंस्टेंशिएशन, तो कि वहां पर हम क्या करेंगे, तो कि न्यू कीवर्ड के थ्रू हम मेमोरी एलोकेट करके हम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। एंड लास्ट जो इनिशियलाइजेशन है, कि वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करके हम जिस वहां पर वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। तो ये तीन स्टेप्स हमें जस्ट याद रखने की जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ओके, अभी नेक्स्ट हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें कैसे क्रिएट करना है और उसकी वैल्यू को कैसे इनिशियलाइज करना है। ओके, सबसे पहले अभी यहाँ पर हम एक क्या करेंगे, तो कि एक और क्लास डिक्लेरेशन कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल क्लास माय क्लास। ओके, तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक डिक्लेरेशन कर दिया ना उसके जस्ट ब्लॉक। ओके, अब यहाँ पर एक हम जस्ट वेरिएबल जस्ट सिंपल डिक्लेरेशन करते हैं कि जस्ट यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। ओके, तो कि माय क्लास डिवीजन। ओके, तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया एंड डबल कोट में मैं यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल तो कि 12th। ओके, दैट यहाँ पर जैसे हम मेंशन कर देते हैं साइंस स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने एक स्ट्रिंग मेंशन कर दिया, जैसे एक यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया। ओके, अभी जैसे हमने एक क्लास डिक्लेरेशन कर दिया और उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन करा। ओके, ना अभी यहाँ पर क्या करेंगे, तो कि ये जो वैल्यू है, क्लास का जो वैल्यू है, उसको हम यहाँ से इनिशियलाइज करेंगे। ऑलरेडी हमने वेरिएबल वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, तो अभी क्लास में ऑब्जेक्ट के थ्रू वो वैल्यू को हम फेच करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑलरेडी दूसरा क्लास यहाँ पर बना हुआ, तो कि जस्ट मेन क्लास है एंड मेन क्लास के अंदर मेन मेथड भी दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो कि जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, तो कि क्लास का ऑब्जेक्ट, तो कि जैसे मैंने यहाँ हमने यहाँ पर जो नाम दिया है, ओके, तो अपना क्लास का नाम क्या है, तो कि माय क्लास।
ओके तो दिस क्लास नेम ओके नेक्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे तो कि एम वन तो एम वन तो अब यहां पर देखो हमने कौन सा फर्स्ट स्टेप किया डिक्लेरेशन कर रहे हैं माई क्लास एम वन ओके तो कि फर्स्ट ये जो my class is a name of class and जो m1 दिया है तो कि वो m1 क्या है तो कि just variable is equal to अभी second जो बताया था new keyword तो कि यहाँ पर new keyword के through क्या करेंगे हम तो कि just वहाँ पर हम memory allocate कर रहे हैं object create करने के लिए okay and the second तो कि just last में तो कि just value को यहाँ पर constructor call करेंगे किसका constructor तो कि my class constructor यानी कि my class का just constructor ओके नेक्स्ट अभी यहां पर क्या करना है तो कि जस्ट क्लास के अंदर जो हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया हुआ है तो वो क्लास के यहां पर वैल्यू हमें फेच करनी है किसके थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे करेंगे तो कि जस्ट यहां पर एक सिंपल सिंटेक्स यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ओके एंड ब्रैकेट में अभी हम देखो ऑब्जेक्ट के थ्रू तो कि एम वन तो कि एम वन इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास और माई क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन किया तो कि माई क्लास डॉट ओके अभी माई क्लास के यहाँ पर जो मेंबर्स तो के कौन से मेंबर्स तो के अभी हमने जैसे एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया तो यहाँ पर जो सिंपल तो के जैसे हमने जो वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया था वो यहाँ पर हम फेच करेंगे तो के माई क्लास डिविजन ओके तो ये जस्ट यहाँ पर फेच हो गया ओके नाउ जस्ट यहाँ पर सेव करके अब इसको जस्ट यहाँ से हम क्या करेंगे तो के एग्जीक्यूट करेंगे अभी एग्जीक्यूट करने के लिए जस्ट यहाँ पर हम देखते हैं आउटपुट ओके तो हमें जस्ट क्या होना चाहिए तो कि सिंपल दो क्लास बनाए हमने ओके एंड दो क्लास में से हम एग्जिट क्या कर रहे हैं तो कि मेन क्लास में से हम जो क्लास है उसका पेरेंट क्लास तो वहां उसका हम क्या बना रहे हैं तो कि ऑब्जेक्ट ठीक है यहाँ पर हमने मेन क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दिया और मेन क्लास के अंदर हमने एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो क्लास है माई क्लास उसका यहाँ पर हम मेंबर्स जो भी मेंबर्स हैं वेरिएबल्स हैं वो हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर ये आउटपुट शो कर रहा है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए थैंक यू